मध्य प्रदेश के एक जिले में बहुत पुराना स्कूल था। स्कूल के काफ़ी अच्छे होने की वजह से हर कोई उसी स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराता था। एक लड़की जिसका नाम प्रिया था, उसने उसी स्कूल में एडमिशन ले लिया। एक बार की बात है, क्लास टीचर ने प्रिया को कहा कि प्रिया लाइब्रेरी से जाकर इंग्लिश की कुछ किताबें ले आओ। प्रिया जैसे ही क्लासरूम से बाहर निकली तो उसे दो लड़कियां दिखाई देती हैं। प्रिया उनसे पूछती है कि क्या आप मुझे बता सकते हो लाइब्रेरी कहाँ है। दोनों लड़कियां पहचान जाती हैं कि प्रिया एक न्यू एडमिशन है। वो दोनों उसे स्कूल की तीसरी मंजिल पर जाने के लिए कहती है और हंसते हुए वहां से निकल जाती हैं। प्रिया उनकी हंसी को समझ नहीं पाती और लाइब्रेरी को ढूंढते ढूंढते स्कूल के थर्ड फ्लोर पर पहुंच जाती है और प्रिया देखती है कि पूरा थर्ड फ्लोर एकदम खाली पड़ा हुआ है। ना कोई स्टूडेंट, ना किसी टीचर की कोई आवाज आ रही है। ये तो एकदम सुनसान पड़ा है। प्रिया को अब थोड़ा डर सा महसूस होने लगता है। इधर तो कोई लाइट भी नहीं जल रही। लगता है उन दोनों लड़कियों ने मुझसे कोई मजाक किया है और मुझे गलत जगह भेज दिया। वो जैसे ही वापस जाने के लिए पीछे मुड़ती है, तभी उसे एक लड़की सामने के एक क्लासरूम से दूसरी क्लासरूम में जाते हुए दिखती है। प्रिया उसे आवाज देती है, सुनिए क्या आप मुझे बता सकती हैं लाइब्रेरी कहाँ है। मैं कुछ बुक्स लेने आई थी पर मुझे लाइब्रेरी नहीं मिल रही। वो लड़की कहती है, लगता है आज स्कूल में तुम्हारा पहला दिन है। प्रिया हाँ में जवाब देती है। लड़की प्रिया को उसके पीछे पीछे आने के लिए कहती है और बताती है कि नीचे उन दोनों लड़कियों ने तुम्हारे साथ मजाक किया है और तुम्हें सही रास्ता नहीं बताया। चलो मैं भी लाइब्रेरी में ही जा रही हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, लाइट फ्लिकर करती रहती है और बीच बीच में बंद हो जाती है। तभी अचानक एक क्लासरूम का गेट अपने आप खुल जाता है। प्रिया लड़की के पीछे पीछे उस क्लासरूम के अंदर चली जाती है। प्रिया को अब कुछ अजीब सा होने लगता है। वो धीरे धीरे अपना होश खोने लगती है और चुपचाप से उस लड़की के पीछे पीछे चलती रहती है। खिड़की के पास जाकर वो लड़की प्रिया को कहती है, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, इस खिड़की को पार करते ही लाइब्रेरी आ जाएगी। वो लड़की अब खिड़की के बाहर हवा में उड़ रही थी। प्रिया खिड़की पर अपना पैर जैसे ही आगे बढ़ाती है, तभी पीछे से क्लास टीचर, स्कूल के कुछ कर्मचारी प्रिया का हाथ पकड़ उसे जोर से पीछे खींचते हैं और वो लड़की सामने से गायब हो जाती है। टीचर और बाकी सभी स्टाफ प्रिया को बेहोश हालत में नीचे लेकर आते हैं और होश में आ जाने के बाद प्रिया वो सब बात अपनी टीचर को बताती है, तो उसे पता चलता है कि थर्ड फ्लोर को 4 साल पहले ही बंद कर दिया गया था। कुछ लड़कियों के मजाक की वजह से एक लड़की ने खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दी थी। वो लड़की आज भी प्रिया की तरह कई लड़कियों को थर्ड फ्लोर पर दिखाई दे जाती है।